नवा रायपुर में राहुल गांधी की एक विशाल सभा का आयोजन किया गया, उसी सभा की तस्वीर आपको दिखाते हैं। देख सकते हैं दूर दूर तक हजारों लाखों की संख्या में लोग प्रदेश के कोने कोने से पहुंचे हुए हैं और अभी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सभा को संबोधित कर रहे हैं। यहां पहुंचे हुए लोग हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं। जी बताइए, राहुल गांधी की सभा हो रही, क्या लगती है छत्तीसगढ़ में चुनावी साल है, सभा को कैसे देखते हैं? अच्छा लग रहा है, सभा अच्छा दिख रहा है। इस समय तो सरकार तो लोग फिर दोबारा बनेगा। हाँ, दोबारा इसके लिए बनेगा, बीजेपी से सरकार था पूर्व में। क्यों बनेगा दोबारा? दोबारा इसके लिए बनेगा, किसान को जो धान 20 क्विंटल ले रहा है, हाँ। जो वादा कि बोनस दूंगा, ऐसे के बोनस पूरा दे रहा है। बीजेपी सरकार जो बना तो पिछले समय जो 20 क्विंटल लिए थे, मुख्यमंत्री कौन छत्तीसगढ़ शासन थे, अजीत जोगी, उसके बाद उन लोग 10 क्विंटल कर दिए, 10 के लटपट उन्होंने 14 क्विंटल लिए थे। और आज 15 साल बिताकर 14 20 क्विंटल नहीं किए थे, इन लोग आज 20 क्विंटल करने के लिए वादा किया है, बोनस टोटल दे रहा है 5 साल तक, और 72 सीट है, इस समय तो 75 सीट भी मिलेगा किसान का है। राहुल गांधी को देखना है, देख लिए? हाँ, राहुल गांधी को देख लिए। क्या फर्क पड़ेगा राहुल गांधी के छत्तीसगढ़ आने से? राहुल गांधी में फर्क तो पड़ेगा, कैसे नहीं पड़ेगा, ये वो जो बनाया है युवा मितान को तो फर्क पड़ेगा। काम कर रहा है युवा मितान गाँव गाँव में? काम कर रहा है, और लोगों से बातचीत करने का प्रयास करते हैं। अच्छा, पीछे दादा है उनसे। दादा, राहुल गांधी आए हैं, क्या फर्क पड़ने वाला है छत्तीसगढ़ में? छत्तीसगढ़ में बहुत फर्क आएगा। अच्छा, और कहाँ से आए हैं आप? ग्राम पंचायत नेवनारा। खाना पीना होगे? खाना हुआ। अच्छा, का बार आजते हैं युवा मन के सम्मेलन में, बताए बुजुर्ग आदमी कैसे आगे हस? अभी साथ में आया है, लड़का मन आया था। हाँ, विधानसभा चुनाव है अभी, का लगा थे कागज सरकार बनी फिर? भूपेश बघेल के सरकार, कांग्रेस की सरकार फिर से बनी। काबर बनी? काबर बनी, होकर कार्य मजबूत है, किसान अतका ऊपर उठे, किसान बेटा महू हाँ। जो उनकी छोटे से किसानी में भाजपा के राज्य में डूबे हुए रहे हैं, और कांग्रेस के जब राज्य है ना, तो हर चीज़ के सहयोग मिली, ओकर से मैं ऊपर आए, वो पाए मोर भरोसा है कि कांग्रेस के सरकार और बनी और बनावो। अच्छा, ठीक। और लोग? अच्छा जी, बताइए, आप भी बताइए, राहुल गांधी पहुँचे हैं छत्तीसगढ़, क्या फर्क पड़ने वाला है? जी, इससे युवाओं में एक नई ऊर्जा का एक ये होगा, संचार होगा, और राहुल गांधी जी के आने से छत्तीसगढ़ में बहुत फर्क पड़ेगी। क्या लगता है, चुनाव है कुछ दिनों बाद छत्तीसगढ़ में, कहीं कांग्रेस शक्ति प्रदर्शन थोड़ी कर रही भीड़ जुटा करके? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जब से कांग्रेस की सरकार बनी है तब से गाँव गरीब किसानों के लिए अच्छा कार्य कर रही है, इसमें शक्ति प्रदर्शन करने वाला कोई बात नहीं है। लेकिन अधिकारियों के यहाँ, नेताओं के यहाँ EDIT के छापे पड़ रहे हैं, EDIT के। ये तो बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वो अपना दुरुपयोग कर रही है। कितना फर्क पड़ेगा छापेमारी छत्तीसगढ़ में? छापेमारी से कांग्रेस को कोई फर्क पड़ने वाले नहीं है, उल्टे बीजेपी को फर्क पड़ेगी। इससे कांग्रेस को कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि उसके पास तो कोई मुद्दा ही नहीं है, तो अब क्या करे वो, अब ED का वो छापा पड़वाएगा या कुछ भी करेगा। सीट जीतेगी कांग्रेस, क्या लगता है? सीट तो 75 पार आएगी इस बार। हाँ, क्योंकि जितना काम किया है गांव गरीब किसान के लिए वो दिख रहा है। पहले मैं भी एक किसान हूँ, साथ साथ राजीव मितान क्लब का अध्यक्ष हूँ, तो उस नाते इसीलिए तारीफ कर रहे हैं क्या? नहीं, मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं किसान हूँ। मैं बोला ना आपको कि मैं सबसे पहले किसान हूँ। पहले हम लोग कोचियों के माध्यम से धान बेचते थे आधा रेट में, आज हमारी जो धान है वो डायरेक्ट सरकार खरीदे हैं। पिछले साल 2500 में जिस प्रकार से धान खरीदी हुई, कर्जा माफ़ हुआ, बिजली बिल हाफ हुआ, इससे हम किसानों को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सका बेनिफिट मिला है। इससे हम कह सकते हैं कि इस बार भी प्रचंड बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनेगी। और लोग पहुँचे हुए हैं काफ़ी संख्या में, उनसे बातचीत। जी, आप भी बताइए। जी, मैं बालोद जिले का रहने वाला हूँ, मेरा नाम दिनेश कुमार साहू है, और हम लोग पंचायत बाड़ी वाले हैं, है ना, बेलोदी पंचायत बालोद जिला का रहने वाला। समस्या ये है कि हमारे पिछले साल घोषणा किए थे 5 साल के पहले, मतलब 4.25 साल के पहले घोषणा किए थे कर्जा मुक्त करेंगे, लेकिन अभी तक हमारा कर्जा मुक्त नहीं हुआ है। अभी तक मेरे किसानों कर्जा माफ कर दिए सरकार, अभी कहाँ हमारा कर्जा माफ किए हैं, वो तो सिर्फ जिला सहकारी बैंक किए हैं। हम ग्रामीण कर्जा है आपका? मेरा करीबन 5 लाख का कर्जा है, अभी 5 लाख का पूरा, अभी 7 लाख का कर्जा हो गया है। कितना समस्या आता है कर्जा है तो? समस्या बहुत समस्या है, मैं क्योंकि अभी हम लोग परिवार वाले हैं, बहुत ज़्यादा परिवार वाले हैं, अब हमको दिक्कत है। हम पंचायत से जुड़े हुए हैं, अब पंचायत वाले लोग साथ में आए, अभी तक न पानी पूछा है, ना चाय पूछा है, ना कुछ पूछा है। हम ये चाहते हैं कि एक बार सरकार फिर आए, हम ये चाहते हैं।
भरोसा है सरकार पे? भरोसा है सरकार से, फिर बनेगी सरकार? बनेगा, बनेगी सरकार। कर्जा माफ नहीं हुआ फिर भी भरोसा है? आप कैसे करेंगे, हमारे लोकल की सरकार है, लोकल की सरकार बनाना चाहते हैं हम लोग। ना यूपी चाहिए, ना बिहार चाहिए, ना तो वहाँ वो चाहिए। बीजेपी की सरकार क्यों नहीं? बीजेपी की सरकार नहीं चाहिए, वो 5 साल जूता चप्पल बांट के ना खत्म, 15 साल पूरा खत्म कर दिया। कर्जा माफ नहीं हुआ फिर भी कांग्रेस की सरकार चाहिए? माफ करेंगे, करेंगे। और लोग पहुंचे हुए हैं, उनसे ही बातचीत करने का प्रयास करते हैं। देख पा रहे होंगे काफ़ी संख्या में जो युवा हैं, महिलाएं हैं, वो पहुंची हुई हैं। राहुल गांधी पहुंचे हैं छत्तीसगढ़, कितना फर्क पड़ने वाला है, चुनाव है क्योंकि? इस बार तो पूरे 90 विधानसभा की जो सीटें हैं उसमें केवल कांग्रेस पार्टी ही आएगी, और इस बार केंद्र सरकार में भी राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बन करके आएंगे। क्यों नहीं आएगी बीजेपी? बीजेपी क्या की है 15 सालों में? आज कांग्रेस पार्टी आकर के माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ के महिलाओं को, बेरोजगारों को, युवाओं को, बुजुर्गों को किसी न किसी एक एक माध्यम से, जैसे कि महिलाओं के लिए रीपा के माध्यम से अभी जितने भी गौठान चल रहे हैं उसमें उनको रोजगार मिल रहा है, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता और बहुत सारे नियुक्ति, जो शासकीय कर्मचारी के लिए अभी जैसे नियुक्ति पत्र भी बटा, बहुत सारे रोजगार के साधन खुले जिसमें उनको नौकरी के लिए बहुत सारे विभाग निकले थे, महिला बाल विकास, शिक्षा है ना, स्वास्थ्य विभाग, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता, सब तो दे ही रहे हैं। किसानों को 2500 रुपये समर्थन मूल्य में धान खरीदी, अब तो 2700 रुपये हो गया है। तो राजीव युवा मितान क्लब के सदस्य हैं, वो पहुंचे हुए हैं, राहुल गांधी हैं, वो सबक संबोधित करने पहुंचे हुए हैं, तो क्या जो लोग पहुंचे हुए हैं वो उनकी क्या प्रतिक्रिया है उसी को बताने का प्रयास हम कर रहे थे।